सबसे बड़ा मैं ये बनाती हूँ ज्यादातर, मोस्टली आप देखेंगे मेरे दिल इंतजार करूंगी और नहीं नहीं वो भी बताऊंगी। माँ दीदी नो 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 हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो यहाँ हस्बैंड जी रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं ऑफिस के लिए, तो मैं भी उन्हें फरमान दे रही हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। तो फिलहाल तो इनके ऑफिस में मिलते हैं बहुत टेस्टी समोसे, तो इनका वो लेके आइएगा। और हाँ मुझे ग्रीन चूड़ी भी चाहिए क्योंकि सावन आ चुका है। लेकिन आपको क्या लगता है लाएंगे? बोल तो दिया इन्होंने कि हाँ लेके आएंगे, तो बस मैं भी खुश हो गई कि बोला है तो करेंगे, तो ना देर से ही सही। तो बस अब यहाँ तैयार होके अभी ये जा रहे हैं, मैं भी इन्हें बाय करने आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फिलहाल तो सुबह का टाइम हो गया और अभी आपने जो दी थी हस्बैंड जी जा चुके हैं। हाँ जी हाँ बेटा बना दी, बस परोस लूँ। ओके तक्ष भी आ चुके हैं। बिनानी खानी है? ओके बना रही हूँ। तो यहाँ ये बन चुका है पुलाव बिरयानी। पता है इसके पीछे एक रीज़न है सबसे बड़ा, मैं ये बनाती हूँ ज़्यादातर, मोस्टली आप देखेंगे मेरे ब्लॉग में कहीं नहीं मिलेगा। इससे क्या होता है ना, दक्ष ईजिली खाना खा लेते हैं, या फिर ऐसा होता है कभी कभी स्किप हो जाता है ना बच्चा, कुछ भी उल्टा सीधा खा लेता है। कल रात इन्होंने क्या खाया था, डोसा खाया था। हाँ तो उसकी वजह से मैंने सोचा चलो अभी जल्दी से खाना बना दे, क्योंकि चाय वगैरह तो पीते नहीं है वो, उनकी वो नहीं पाती क्योंकि लेट होते हैं, हम लोग पी चुके होते हैं और फिर मैं इन्हें चाय देना पसंद नहीं करती, सोचती हूँ नहीं अब डायरेक्ट खाना खिला लेती हूँ। तो बस इसलिए मैंने ये बना दिया था, ये उठे थे उसके बाद ही, बाकी सारे काम हो चुके थे, बस मैं नहाने ही जा रही थी। तो मैंने सोचा चलो पहले इन्हें खिला देती हूँ, क्योंकि ये खाना खाते हैं ना उसमें भी इनको एक घंटा लग जाता है पूरा। तो अभी फिलहाल खाना लेके चलते हैं, तो इसमें मैंने देसी घी भी डाल दिया, बस सिर्फ घी डालते हैं। पहले पता दही खा लिया करते थे और जब से हम लोग बरेली गए हैं उनका दही छूट गया। हे तक्ष बिरयानी, वाह बिरयानी। पहले गुड मॉर्निंग बोलो, हाथ जोड़ो बेटा। हाँ अब बोलो गुड मॉर्निंग, गुड बाय। तो चलिए इनको पहले ये खिला देते हैं, उसके बाद में मिलेंगे। अभी देखिए टाइमिंग 11:15 हो रही है ना, मैं 12 बजे तक फ्री हो पाऊंगी 12 से 12 का, क्योंकि बहुत छोटा छोटा वाइट लेते हैं इसलिए। फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ देखो खाना मैं बनाई रही थी, ठीक है, तो यहाँ तक्ष ने डिमांड कर दी चाय की, तो मैं वो बना रही हूँ उनके लिए फिलहाल। और क्या है, मैं नहाने जा रही थी और अभी हस्बैंड जी का फोन आ गया था, तो उन्हें कुछ फोटोज चाहिए थे मेरे, तो बस वो दूसरा हो गया। तो मैं सोचा मैं भी पी लूँगी जब बना ही रही हूँ, इसलिए तो उन्हें नहलाया था, तो उनका पता नहीं क्यों आज ही मैंने मना किया कि वो चाय वगैरह नहीं पीते, मैं भी अवॉइड ही करती हूँ, अगर नहीं पीते तो अच्छा है। दूध वगैरह को डॉक्टर ने मना कर रखा है, उनके स्टमक की वजह से पेट में गड़बड़ रहती है उनके, तो दूध वगैरह ही हम डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादातर हम नहीं देते हैं, अवॉइड ही करते हैं। तो अब कह दिया है तो प्लान ही तो पड़ेगी, या वॉशिंग मशीन भी लगा दी है, अब रोटियां रह गई हैं, बाकी दाल वगैरह बन गई है या तहरी बनाई थी। तो फिर अब चलो मैं भी अब जल्दी से नहा लेती हूँ, उसके बाद में और यहाँ आया था हमारी कार का कवर, तो ये इसकी ओपन डिलीवरी दे रहे थे, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम वीडियो लें। नहीं आया भैया, आप ही आएगा? हाँ मेरे पास ही आएगा पर आया नहीं है अभी तक। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ नहा के, ये देखिए और भी ना फेस पे जेल लगाया है, बहुत ज़्यादा चिरौटी से नहीं काटती मतलब जलन टाइप की हो रही है, बहुत ज़्यादा इचिंग टाइप की हो रही है,
तो वो जरूरी थी क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था मेरे बल्गेरी से वायरस होता है, उसने अटैक कर रखा था फेस पे, तो दाने आ रहे थे छोटे छोटे उस वजह से। और यहाँ तक्ष की चाय बन चुकी है, ये रही, तो चलिए लेके चलते हैं। पता नहीं वो पापे खाएंगे नहीं खाएंगे, आई मीन टोस्ट, टोस्ट ये भी ले लेते हैं। और मैं तो तब तक कुछ नहीं खाती, मतलब चाय तो ले लूंगी, अब नहा के आई हूँ, आपको तो पता ही है कि मैं नहाने के बाद जरूर कुछ ना कुछ खाती हूँ, तो ये तो मैं ले लूंगी, लेकिन खाना नहीं खाती जब तक तो हस्बैंड नहीं आ जाते, बहुत अच्छी बच्ची हूँ, तो जब वो आ जाएंगे खाना मैं तभी खाऊंगी। तो चलिए अब चलते हैं तक्ष के पास। कहाँ है वो? ओह माय गॉड, तक्ष समोसा रह गया तुम्हारा, समोसा समोसा। वो तो अभी मैंने उनको चाय वाय पिला के शांत कर रखा है। चलो कोई बात नहीं, हम खिला लाएंगे। तो गाइस ये आ चुका है मेरा खाना, और मैंने फिलहाल छाछ ली है, और ये हस्बैंड जी का है, इनके लिए दाल रोटी बनाई थी मैंने, क्योंकि शुद्ध शाकाहारी अच्छा खाना खाना चाहिए फिलहाल ये डाइट पे भी आजकल, तो इसलिए। तो चलिए अब खाना वाना खा लेते हैं और फिर मिलते हैं उसके बाद आपसे। और हाँ, इनको लेके नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं लेके, बहुत खराब है सच में, बहुत मूड ऑफ हो रहा है। मैंने सोचा कि मैं रगड़ा समोसा खाऊंगी लेकिन दूसरे एक चीज और बोली है मैंने, क्या बताइए, आवाज आ जाएगी आपकी, शाम को समोसा खिलाने चलेंगे। मैंने चूड़ी नहीं बोली थी आपसे? चूड़ी भी बोली है, सावन आ गया, सबके सब लोगों ने ग्रीन चूड़ी पहन ली और मुझे अभी भी रेड पहननी पड़ रही है, तो मैंने बोल दिया चूड़ी भी चाहिए। अब देखते हैं ये कब तक लेके आएंगे, इंतजार करूंगी और नहीं लाई गोभी बताऊंगी। हाँ बेटा, ओ माय गॉड, बच्चे को भी याद आ गया, ठीक है शाम को खाएंगे। ओके, तक्ष को भी याद आ गया, ये फिलहाल खेल रहे हैं अभी। चलिए अब खाना वाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो मैंने यहाँ सारा सामान निकाल दिया है फ्रिज का, ये देखो घी बनाने को है, पर मैं आज घी नहीं बनाऊंगी, आज करूंगी फ्रिज की सफाई। और हाँ, फ्रिज की आप लोग सफाई करें ना तो सबसे पहले स्विच ऑफ कर दें और प्लग भी निकाल के रख दें, क्योंकि ना बहुत गंदा हो रहा था। देखो वैसे तो साफ है बिल्कुल, देखो नीट एंड क्लीन है, लेकिन यहाँ ना ये गेट पे बहुत गंदा हो रहा था। हम लोग ठंडा पानी पीते रहे हैं तो बोतल वगैरह है नहीं, और ये ब्रेड पड़ी हुई है, अगर तक्ष ने देख ली तो अभी उन्हें बर्गर खाना होगा। इसे हटा देते हैं। और ये मिर्च का अचार बहुत शौक शौक में तक्ष लेके आए, तक्ष लेके आए हैं अपने लिए, लेकिन उनसे खाया जाएगा आप बताओ। पर ये बहुत ज़्यादा खट्टा है, मतलब तीखा होने की जगह खट्टा निकल आया। तो चलिए, तो यहाँ शुरू कर दी मैंने फ्रिज की सफाई, और अंदर की साइड में तो इतना गंदा नहीं था, तो मैंने डायरेक्टली गीले कपड़े से ही साफ़ कर दिया, लेकिन गेट थोड़ा ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो पहले हम इसका निकालेंगे सामान, क्योंकि इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। और मैं भी ना नेल पेंट फ्रिज में रखती हूँ, क्या आप लोग भी रखते हैं कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है इससे सही रहती हैं वो, इसलिए। तो ये सब निकाली, और मेडिसिन वगैरह लोशन वगैरह भी थे दो तीन, वो भी सब निकाल के रखे थे। और यहाँ पर सही से हो नहीं पा रही थी, तो मुझे ये रैग निकालनी पड़ेगी जो बॉटल की होती है ना, ये निकालनी पड़ेगी। तो मैं इसे पहले सूखे कपड़े से साफ़ करूँगी, क्योंकि गीले से क्या हो रहा था, चिपक जा रहा था बार बार, टोस्ट का जो चूरा होता है ना वो था। तो वो सब साफ़ किया, और फिर उसके बाद मैं सामान तुरंत ही लगा दिया था, क्योंकि ज़्यादा वैसा था नहीं इसलिए। तो चलिए बने रहिएगा, और आगे जाएंगे हम घूमने के लिए, क्योंकि देखो हस्बैंड जी ने वादा किया था ना कि लेके चलना है, तो देखते हैं कहाँ लेके जाएंगे और क्या करते हैं शाम को। तो बने रहिएगा और पूरा ब्लॉग जरूर इंजॉय कीजिएगा। और हाँ, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो यहाँ मैंने
सारा सामान वापस से जमा दिया है और नेल पेंट रख रही हूँ, तो चेक कर रही हूँ क्योंकि मैं नेल पेंट वगैरह ज़्यादा लगाती नहीं, यूज़ नहीं करती, सिर्फ ओकेजन पे ही यूज़ करती हूँ। तो देख रही हूँ सब ठीक है, मतलब सूखे वगैरह तो नहीं है, ये सब करके और रखती भी जा रही हूँ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जी आ चुके हैं, कहाँ से आए पता नहीं है मुझे अभी। ले आए नहीं। क्या लाए हो? दो नहीं लाए हो, आप दिखाओ ना। मैं ब्लॉग में नहीं नहीं दिखाइए, okay, नहीं दिखाइए। अच्छा बंद कर दिया, बंद कर दिया है, बंद कर दिया दो ना, दीजिए दीजिए ना, चूड़ी लाए हो दीजिए। और यहाँ मैं ऐसी मांगती रह गई, लेकिन ये क्या लेके आए इन्होंने, ना मुझे दिखाया ना बताया, और परेशान करते रहे कि बंद करो मैं नहीं दिखाऊंगा कैमरे के आगे। मैंने सारी कोशिश कर ली। तो गाइज हम लोग आए हैं रात में फ़िलहाल घूमने के लिए, अभी तो वैसे ही लगा था यहाँ, पता नहीं तक सो गए या नहीं सो गए हैं। चलो मैं फोन चला रही हूँ, कुछ भी हो लेकिन फिर भी उन्हें बताऊंगी नहीं ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। वो बेचारे इतने अच्छे सेफली ड्राइव करते हैं फिर भी आधा से मजबूर। मम्मी लोग नहीं होती थी, मेरी मम्मी स्कूटी पे जब भी मेरे साथ चलती थी हमेशा बताती थी आगे ये आ रहा है, आगे वो आ रहा है, तो मैं कहती थी अरे भैया मुझे भी दिख रहा है। तो वही मेरी भी आदत हो गई, अब आदत हो जाती है ना हम लोगों को, क्या कर सकते हैं। कुछ खाना है, खाना है बेटा। और रात में ना घूमने का मजा ही अलग है यार सूरत में सच में, और आज तो पूरा दिन बारिश भी नहीं हुई थी तो और ज्यादा अच्छा। हाँ उधर ही से ले लिया, तो कोई नहीं आगे से हम लोग घुमा के वहाँ पर जाएंगे ना, मैं इसको वहाँ चलूँ। हाँ डोसा खाएंगे, डोसा ले लेते हैं। चलो डोसा खाओगे? डोसा खाना बेटा, पता नहीं क्या हो गया इनको, बस सुस्त हो गए हैं अभी। हालांकि पार्क में खिला के लेकर आई हूँ मैं, हाँ पार्क में बहुत खेले थे पता ही है अभी। और खाना वाना मैंने खिलाई दिया था इनको शाम को, क्योंकि सुबह जल्दी खा लेते हैं आपने देखा ही होगा, फिर ये चाय वगैरह तो पीते नहीं है, स्किप करता है, मतलब इन्हें पता नहीं पसंद नहीं है क्या हो गया है। तो फिर इसलिए चलिए अब चलते हैं, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है लाइक की वजह से। जा चुके हैं मेरे लिए डोसा लेने, अब तक शुभ सो गए हैं तो मैं ज़्यादा हिल डुल नहीं पा रही हूँ फिलहाल। देखिए बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ आपको, तो मैं वहाँ उधर काफ़ी दूर, यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ थी ना इसलिए हम लोग गोगो यहाँ पार्क करनी पड़ी है। तो इसी के साथ अब हम इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिलता रहा ना तो मैं कंटिन्यू ब्लॉग करती रहूँगी, और नहीं मिलता है तो फिर होता नहीं एकदम से मतलब कि होपलेस हो जाना कि अरे यार नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैं फिर बीच में रोक देती हूँ, सोचती हूँ थोड़ा सब्र रखो, लेकिन नहीं हमें कंटिन्यू मेहनत करनी है। जब हम इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और आप लोग इतना सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ चैनल पे अगर नए आ ही गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।